ये हैं संरक्षित मानव शरीर, कुछ टेनिस खेल रहे हैं तो कुछ पोकर। ये असली मानव शरीर हैं, जिन्हें एक कला प्रदर्शनी में दिखाया गया। हाल ही में स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में मानव शरीरों की ये प्रदर्शनी लगी है, जिसे बॉडी वर्ल्ड्स कहा जाता है, और इसका मकसद है लोगों को मानव शरीर के बारे में जागरूक करना। हमने अपनी जिंदगी की रफ्तार बेहद तेज कर दी है, लेकिन एक चीज है जिसकी रफ्तार बढ़ाई नहीं जा सकती, हमारा शरीर। रफ्तार बढ़ने का बहुत असर हुआ है, और यह प्रदर्शनी इसी बात को समझाने की कोशिश कर रही है और लोगों को जागरूक करने की भी, उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचने की और शायद यह समझाने की कि उनके लिए क्या जरूरी है। ये प्रदर्शनी सबसे पहले जापान के टोक्यो में 1995 में लगाई गई थी, और तब से दुनिया के अलग अलग शहरों में आयोजित होती रही है। इस प्रदर्शनी में लगभग 200 मानव शरीर हैं, लेकिन ये मानव शरीर आते कहाँ से हैं? हमारी फाइलों में 19,000 लोगों के नाम दर्ज हो चुके हैं, और हमें कई सालों में लगभग 2,500 शरीर मिल भी चुके हैं। ज्यादातर दानी जर्मनी से हैं, क्योंकि हमारी लैब्स वहीं हैं। लेकिन जहां भी प्रदर्शनी जाती है, बहुत से लोगों को इस शानदार प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करती है। एक दानी तो अंगेला वेली को ज्यूरिख में भी मिल गई। जर्मनी की रहने वाली मार्टिना विजरमान मरने के बाद दफन नहीं होना चाहती। बचपन में मुझे एक सपना आया कि मैं मर गई और मैं दफन नहीं होना चाहती थी। लोगों को कब्रिस्तानों में देखकर मैं हमेशा उदास हो जाती थी, और मेरी इच्छा होती कि वे लोग कहीं हवा में गायब हो जाएं। लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है, तो मेरे लिए प्लास्टिनेशन एक अच्छा विकल्प है। मौत के बाद भी मैं मौजूद रह सकती हूँ, या शायद नहीं, पर मुझे यह विचार अच्छा लगा। Wird's mich schon noch geben vielleicht, aber auch nicht mehr. Ja? Das fand ich eigentlich schön. तो क्या आप अपना शरीर दान करना चाहेंगे, कला के लिए या विज्ञान के लिए?